आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स को खत्म किए थे, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेजर को सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। ये रहा आपका पहला सवाल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए करा कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। कैसा टेबल? फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल मतलब एक स्मूथ टेबल है, ये आपका एक स्मूथ टेबल है। इस पर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इज पुल्ड horizontally by a constant force F, इसको खींचा जा रहा है horizontally, इसे horizontally खींचा जा रहा है क्षैतिज एकदम F force से। It is found to move 10 meter in the first 2 seconds, तो ऐसा पाया गया कि 2 सेकेंड में 10 meter का displacement हुआ है इसमें। 2 सेकंड में कितना चला है? 10 मीटर। क्वेश्चन कर रहा है कि फाउंड टू मूव 10 मीटर फर्स्ट 2 सेकंड में, शुरू के 2 सेकंड में। शुरू का 2 सेकंड मतलब स्टार्ट हुआ 0 से, शुरू का 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ था तब से 2 सेकंड। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एफ का मान बताइए। एफ का मान के लिए तो आपको चाहिए एफ बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के लिए यहां है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू u का मान तो 0 है, ये तो कहानी खत्म हो गया, सिर्फ बचेगा हाफ। a का वैल्यू तो निकालना ही है और t का स्क्वायर। तो 2a इज इक्वल्स टू 10, a इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर रख लेंगे 2 और a का मान 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो आपका पहला सवाल का आंसर है 10 न्यूटन। आसान सवाल था, आते हैं नेक्स्ट सवाल में, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल कह रहा है कि कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप। एक कार फोर्टी किलोमीटर बराबर से जा रहा था, इज टू बी स्टॉप, रुक गया। अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाने का रुका है इन द नेक्स्ट 4 मीटर। 4 मीटर चला और रुक गया, ब्रेक मारने के कारण इसे ब्रेक मारे तो धीरे 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 रुक गया 4 मीटर चल। इफ द कार वेट 2000 किलोग्राम, अगर कार जो है 2000 किलोग्राम का है, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, कितना एवरेज फोर्स इस पर लगा। सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि फोर्स लगा किधर, फोर्स लगा पीछे, तब तो स्पीड 40 से हुआ है 0। स्पीड कितना हो गया है? 40 से 0। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बराबर 4 मीटर, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर घंटा। तो 40 किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हैं, तो 40 अगुने 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब 200/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमें तो चाहिए फोर्स, तो फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाने जा रहे हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी का मान तो 0 हुआ, वी का मान कितना हो गया? 0। अब बचा यू का स्क्वायर, अब प्लस 2
ए की जगह हमने लिखे माइनस ए, क्योंकि हमें पता है कि एक्सीलरेशन पीछे काम कर रहा है। ब्रेक लगने वाला सिस्टम है तो फोर्स पीछे लग रहा होगा, एक्सीलरेशन पीछे होगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो एस प्लस में होगा, यू प्लस में होगा, और हमें पता है कि एक्सीलरेशन कहाँ काम कर रहा है, पीछे, इसका मतलब वो माइनस में। तो एस बराबर यहां से ए बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू एस, तो ए का मान यहां रखेंगे यू स्क्वायर बाई टू एस। अब यू स्क्वायर बाई टू एस को सॉल्व करिए तो एम का मान तो हो गया 2000, यू स्क्वायर का मतलब 40 गुने 5 बटे 18 का स्क्वायर, एस का मान 4, तो ये आ जाएगा। हम लोग का सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको, तो ये आ जाएगा हम लोग का 2000 अगुने 5 चौका 20 मैंने 200, और फिर 200 और नीचे 2 बार 18 और 8, तो एक लंबा चौड़ा आंसर आएगा। हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर हो गया 2 × 4 × 8 पर 3 × 3 = 7 0, नीचे 18 × 18 × 8, तो आ गया हम लोग का 30864, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.0864 into 10 to the power 4, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3.1 × 10⁴ न्यूटन। इतना फोर्स लगा है, और फोर्स कहाँ लगा है, पीछे की ओर। तो चलिए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करें इन्हें टीवी पिक्चर ट्यूब, इन्हें टीवी पिक्चर ट्यूब, पिक्चर में मतलब टीवी के अंदर होता है पिक्चर ट्यूब, उसमें इलेक्ट्रॉन सारे इजेक्टेड, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उत्सर्जित होना, इजेक्ट मतलब, फ्रॉम द कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है जो पिक्चर ट्यूब से निकले हैं विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी से, एंड रीच, और ये पहुंच गया है कितना वेलोसिटी पर, 5 × 10⁶ m/s, निकला था जीरो वेलोसिटी से और पहुंच गया था वेलोसिटी पर, इन ट्रेवलिंग 1 cm, ऐसा इसने किया है 1 cm चलने के बाद। 1 cm को हम लोग मीटर में बदल लिए हैं, सेंटी का मतलब 10⁻², तो सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²। एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, आप मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एग्जर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा, फोर्स बराबर मास इनटू एसी, इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में गिवन है 9.1 × 10⁻³ kg, बाकी हमारे हिस्से में क्या बचा, एक्सीलरेशन बचा, और हम एक्सीलरेशन निकालने का जुगाड़ बिठाएंगे, तो वी पता है, यू पता है, एस पता है, तो हम लगाने जा रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, चूंकि वी का मान 0 है, नहीं, वी का मान 5 × 10⁶ है, इसका स्क्वायर करेंगे, फाइव इंटू टेन टू दी पावर सिक्स है, और उसका स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू 0 अपॉन 2 ए, आई एस का मान 10⁻²,
एस का मान 10 टू दी पावर माइनस 2। इस तरह से ए का वैल्यू आ जाएगा 25 गुना 10 के पावर 12, इसको सॉल्व कर दिए हैं, और बटा उधर से आ जाएगा 2 गुना 10 के पावर माइनस 2। तो ए का मान आ गया 25 बटा 2 और गुने 10 के पावर 14, 12 2 14। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो आ जाएगा 9.1 इंटू 25 बाई 2 और 10 के पावर 14 और इधर 31, तो 17। अब हम कर लेते हैं 9.1 गुना 25 बटा 2, 9.1 गुना 25 और बटा में 2, तो आ जाएगा 113.75 गुने 10 के पावर माइनस 17। तो माइनस 17 हो गया, इसको लिख सकते हैं 1.1375 गुने 10 के पावर माइनस 15। इसमें 100 से भागा दी, इसमें 100 से गुना कर दिए, तो आ गया 1.1375 गुने 10 के पावर माइनस 15। तो 1.1 बताया जा रहा है आंसर, 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 न्यूटन, 1.1 गुने 10 के पावर माइनस 15 न्यूटन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। पहला सवाल में हम लोग लगा रहे थे क्या, पहला सवाल में हम लोग लगाए थे s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, दूसरा सवाल में हम लगाए हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तीसरा में भी हम लोग लगाए हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये सब मोशन स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है जिससे आप एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं और सीधे मास में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और फोर्स का मान आता जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथा नंबर सवाल में। कर ब्लॉक ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड, अच्छा सस्पेंडेड लटका हुआ है, 0.2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, ये हो गया सीलिंग छत, बाय लाइट स्ट्रिंग, ये हो गया लाइट स्ट्रिंग जिसमें कोई वजन नहीं है, एकदम हल्का रस्सी। ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू द अनदर स्ट्रिंग, इसमें एक ब्लॉक और लटकाया गया है जिसका मास 0.3 किलोग्राम है। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, बताओ कि दोनों स्ट्रिंग में क्या टेंशन है, हमें बताना है कि दोनों स्ट्रिंग में क्या टेंशन है। ठीक है भाई, 0.3 किलोग्राम के ब्लॉक पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और 0.3 किलोग्राम के ब्लॉक का होगा 0.3g ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप लिख सकते हैं 3 न्यूटन। 0.3 किलोग्राम का ब्लॉक है, 0.3 किलोग्राम का ही ब्लॉक है, इसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 0.3g, और g का मान हम लोग 10 मान के बना रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 0.3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन। अच्छा 0.2 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 0.2 किलोग्राम का होगा 0.2g, इस तरह से फिर से जी का मान रखेंगे तो आएगा आपका 2 न्यूटन। चलो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्ट्रिंग के चलते, तो स्ट्रिंग हमेशा क्या करता है, पुल करता है, तो स्ट्रिंग के चलते टेंशन टी और यहां भी टेंशन टी। हमेशा जब दो बॉडी स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं तो स्ट्रिंग का क्या काम है, ये दोनों बॉडी को अपनी ओर पुल करना, खींच रहे हैं। तो यह देखिए T1 T1 मान ली, यहां T1 तो यहां भी T1, ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग लाइट है, स्ट्रिंग में कोई वजन है नहीं, स्ट्रिंग में कोई वजन नहीं है, तो यहां T1 तो यहां भी कितना होगा, T1 होगा। हम लोग जनरली जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो बात आपको समझाते हैं, जैसे कि कोई बच्चा अगर बाल्टी में पानी लेकर के जाएगा, मान लें कि बच्चा का साइज थोड़ा छोटा है या फिर उसके पास थोड़ा पावर कम है और बड़ा सा बाल्टी में पानी लेके जा रहा है, तो बच्चा जब बाल्टी में पानी लेके जाता है तो थोड़ा इस तरह से लपता हुआ जाएगा, इसे झुका हुआ रहता है, इसका मतलब है कि बच्चा बाल्टी को ऊपर खींच रहा है
और बाल्टी बच्चा को नीचे खींच रहा है। अगर इसे आप एक रस्सी मान लें तो आप देख रहे हैं कि रस्सी वस्तु को ऊपर खींच रहा है और वस्तु रस्सी को नीचे खींच रहा है, लेकिन चूंकि इसमें वेट है, इसमें तो फोर्स है, इसमें तो फोर्स है, मतलब मास है, फोर्स नहीं मास है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा मतलब कि टेंशन महसूस होता है, क्योंकि बाल्टी का भी वजन और हाथ का वजन पूरा काम करता है, इसलिए यहाँ पर यहाँ टेंशन अलग महसूस होता होगा और यहाँ टेंशन अलग महसूस होगा, क्योंकि इसका ही वजन जुटता है यहाँ पर। लेकिन इसमें अगर मास नहीं हो तो जितना यहाँ महसूस होगा उतना ही यहाँ महसूस होगा, इसका मतलब ये पक्का है कि यहाँ T1 तो यहाँ भी कितना होगा T1 होगा, T1 हो गया। अच्छा अभी दूसरी रस्सी का कहानी देखिए, तो फिर रस्सी का काम है पुल यहाँ पर T2 तो यहाँ भी T2, ये अलग रस्सी है। अब यहाँ T1 तो यहाँ तो T1 नहीं होगा क्योंकि बीच में एक मास आ गया है, तो T1 प्लस इस मास का भी लोड, तब यहाँ का नया टेंशन क्रिएट होगा कि T2 आज भी T2 तभी T2 क्योंकि बीच में कोई मास नहीं है। तो और हम देख पा रहे हैं कि पूरा सिस्टम तो रेस्ट में, इस सिस्टम रेस्ट में, ये रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में है इसका मतलब T1 बराबर 3 न्यूटन, अगर ये रेस्ट में है इसका मतलब T2 बराबर 2 प्लस T1 और T1 बराबर 3, इस तरह से 5 न्यूटन। तो एक आंसर आएगा हम लोग का 3 न्यूटन और एक आंसर आएगा हम लोग का 5 न्यूटन। ये सब तो हम लोग थ्योरी में ही बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके होते हैं, इसे आसानी सवाल है ये सब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। आप 5 क्या कह रहा है, टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास M आर टाइट टू ईच अदर थ्रू ए लाइट स्ट्रेन एंड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर दो ब्लॉक रखा हुआ है, इक्वल मास दोनों रस्सी से टाइट है, टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास M आर टाइट टू ईच अदर थ्रू ए लाइट स्ट्रेन एंड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, one of the block is pulled, खींचा जा रहा है, along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining of blocks. जो ब्लॉक को ज्वाइन करने वाला रस्सी है इसमें क्या टेंशन है, आराम आराम से बनाते हैं। सबसे पहला बात तो EMG पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता होगा MG, इस M पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता होगा MG, ये तो ग्रेविटेशन के कारण है। चूंकि MS का ब्लॉक एक टेबल पर रखा हुआ है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल टेबल पर रखा हुआ है, तो चूंकि कॉन्टेक्ट में है इसलिए कॉन्टेक्ट फोर्स है वो, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन L, और चूंकि रस्सी से है तो रस्सी काम तो है खींचना, तो एक रस्सी के चलते टेंशन T, तीन ही फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और एक टेंशन। टेंशन का काम क्या है, बॉडी को खींचना अपनी ओर, नॉर्मल का काम है कि बॉडी को पुश करना, इसे जमीन से कांटेक्ट है, टेबल से कांटेक्ट है ब्लॉक का, तो टेबल चाहेगा कि ब्लॉक हमसे दूर जाए, तो ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा नॉर्मल इधर लगेगा, ये सब थ्योरी का हिस्सा है। अच्छा अब चूंकि दोनों ब्लॉक राशि से बंधा हुआ है और चलना तो है ही, अच्छा एन का मान को पूछे तो आप बता सकते हैं एन इज इक्वल टू एमजी, एन इज इक्वल टू एमजी, अगर यहाँ पर M1 रहता और M2 रहता तो यहाँ पर लिखते N1 और N2, और N1 का मान होता M1G, N2 का मान होता M2G, क्योंकि मास दोनों सेम ही है इसे नॉर्मल भी दोनों यहाँ सेम लिए हैं। अच्छा ये तो कहानी इधर का बैलेंस हो गया, क्योंकि बड़ी इधर तो चलने वाला है नहीं, चलने वाला तो इधर है, तो मान लो कि इधर चल रहा है A एक्सीलरेशन से, तो भी चलेगा A एक्सीलरेशन से, तो यहाँ पर क्या लिखा गया इसका इक्वेशन कि F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, F माइनस टी इक्वल टू एम ए, और यहां लिखाएगा टी इज इक्वल टू एम ए, टी से टी कैंसिल, F बराबर 2ma, इसलिए एक्सीलरेशन बराबर F बाई 2m, और एक्सीलरेशन का मान यहाँ F बाई 2m रख देंगे तो टेंशन का मान आ जाएगा M F by 2M, M से M cancel, और answer आएगा आपका F by 2, यही निकालना था tension in strain F by 2।
क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब यहां देखिए सिक्स में, करे पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम। अच्छा, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है 50 ग्राम, मतलब 50 × 10⁻³ kg। चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करते हैं ना किलोग्राम में, तो ग्राम को बदलिए किलोग्राम, ठीक है भाई। मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये जो 50 ग्राम का ब्लॉक कहां जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है। किस प्रकार से जा रहा है ये ग्राफ से समझिए, ये जो जा रहा है किस प्रकार से जा रहा है वो ग्राफ से समझिए आप। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी बराबर 2। अच्छा, हमें फोर्स निकालना है टी बराबर 2 पर, हमें फोर्स निकालना है टी बराबर 4 पर, हमें फोर्स निकालना है टी बराबर 6 पर। तो सबसे पहले तो मास से लिखेंगे, 5 × 10⁻², हो गई 5 × 10⁻², 5 × 10⁻², ये तो हो गया मास। बचा इसमें एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करने के लिए। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें एक ग्राफ दिया गया है। आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। हम जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर dv/dt, और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप आपको बताएगा एक्सीलरेशन। तो निकालते हैं स्लोप। अच्छा, 2 सेकेंड कहाँ आएगा, इसी रीजन में 2 सेकेंड आएगा। तो इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप यहां से निकालिए 10 थीटा, तो 15, और यहां से यहां तक 3, तो 15/3 = 5, इसका स्लोप हो जाएगा 5। अच्छा, 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड तो इस रीजन में आएगा, तो यहां पर तो एकदम हॉरिजेंटल लाइन है, इसका मतलब यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री, तो यहां पर स्लोप का मान 0। अब है 6, तो 6 तो इस रीजन में आएगा, तो 6 जब उधर आएगा तो इधर का स्लोप तो ही बड़ा होगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, मान लो कि थीटा डैश है, हमें चाहिए टैन थीटा डैश, तो टैन थीटा कैसे निकलेगा, चलो टैन थीटा डैश तो बाद में निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं टैन 180 − θ′। टैन 180 − θ′ बराबर 15, और यहां से यहां तक का ही 3, 5, 6, 7, 8 होगा, 3 होगा ही, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 3, तो 15/3 = 5, और tan 180 − θ बराबर, tan 180 − θ बराबर हो जाएगा −tan θ, तो −tan θ बराबर 5, तो tan θ बराबर −5, इसका मतलब इधर का स्लोप आ जाएगा −5, यहां पर आएगा tan θ बराबर +5, यहां आएगा tan θ बराबर −5, क्योंकि स्लोप जब निकालते हैं तो हम कौन एंगल लेते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो कैलकुलेशन बचा। चलो, इसका आंसर तो पता चल रहा होगा आपको भी कि 0 होगा, इसमें आ जाओ तो 25 × 10⁻², मतलब 0.25 न्यूटन, और सेम आंसर यहां भी 0.25 ही, लेकिन माइनस में, −0.25 न्यूटन। इस तरह से एक आंसर आएगा 0.25 न्यूटन, एक आंसर आएगा आपका 0, और फिर आएगा 0.25 न्यूटन। फोर्स पॉजिटिव होना का अर्थ हुआ कि जिस तरफ ब्लॉक जा रहा है उसी तरफ हमने फोर्स लगाया है। फोर्स नेगेटिव का अर्थ हुआ कि जिस तरफ ब्लॉक जा रहा है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करेक्ट, टू ब्लॉक ए एंड बी, मास MA एंड MB रेस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। अच्छा, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर दो वस्तु कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, एक का मास MA और एक का मास MB, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से इसको पुश करता है, so that the block accelerates, ताकि ब्लॉक चले। If the block A exerts a force F on the block B, अगर A B पर कितना फोर्स लगाता है F, इसको हम थोड़ा अच्छा से डायग्राम बनाते हैं। ये तो हुआ MB, ये हो गया MA, हम इधर से पुश कर रहे हैं इसको, कितना फोर्स से पता नहीं है,
लेकिन नहीं पता है कि ए बी को पुश कर रहा है कितना से एफ से, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द ब्लॉक ए एग्जर्ट्स ए फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक बी। चूंकि हम जब इधर से फोर्स लगाएंगे ए और बी कॉन्टेक्ट में है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स का नेचर क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को पुश करना, तो ए दोनों दूसरे को हमेशा पुश करने के चक्कर में रहेंगे ऐसे। इसका मतलब ए इस पर लगा रहा होगा एफ और ई इस पर लगा रहा होगा एफ, ऐसा क्वेश्चन कर रहा कि ए बी पर एफ लगा रहा है तो बी भी ए पर लगा रहा होगा एफ। लॉग बी व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर्स ऑन ए, बताओ कि एक्सपेरिमेंटर यहां कितना फोर्स लगा रहा है। अगर ई एफ लगा रहा है तो आप यहां का फोर्स बताओ, मतलब हमें निकालना है एफ डैश, क्या आप यहां कितना फोर्स लगा रहे हैं, ताकि ई फिर इसमें कितना लगाएगा एफ। बाकी कुछ चीजें जो है कॉमन बात आप ही जानना सकते, आप जान सकते हैं कि एम बी का होगा यहाँ पर एम बी जी, इसका एक नॉर्मल रहा होगा एन बी, एम ए का रहा होगा यहाँ एक एम ए जी, इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा एन ए। लेकिन इन चीजों का भी कोई लेना देना नहीं है, एन बी तो बराबर होगा एम बी जी का, एन ए बराबर होगा एम ए जी का। इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, फ्रिक्शन चैप्टर में नॉर्मल का खूब काम आएगा, और अभी तो हम लोग इधर से सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि सिस्टम चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, मान लो कि सिस्टम चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, अगर ही चल रहा है ए से तो भी चलेगा ए से, तो उसका इक्वेशन क्या लिखाएगा, उसका सिर्फ इक्वेशन ये लिखाएगा कि एफ इज इक्वल टू एम बी ए, इसका इक्वेशन सिर्फ यही लिखाएगा ना एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन एम बी ए। लेकिन इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा एफ डैश माइनस एफ, एफ डैश माइनस एफ, एफ डैश माइनस एफ बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, एक्सीलरेशन जो लिखाना चाहिए था हम लोग का छोटा वाला, और एफ डैश माइनस एफ बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एफ से एफ कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा ए बराबर एफ डैश का वैल्यू निकालना है ना, वास्तव में हमें वैल्यू निकालना है किसका एफ डैश का, तो यहां से आ जाएगा एफ डैश बराबर एम बी प्लस एम ए आर इंटू ए, ये आ जाएगा हमारा एफ डैश। तो अभी तो मान निकला नहीं क्योंकि ए का मान तो पता नहीं है, तो यहां से लिख लेते हैं कि एम बी प्लस एम ए, और यहां ध्यान दो F बराबर चूंकि एम बी बट एम बी ए है, तो A बराबर लिख सकते हैं F बटा एम बी, तो आंसर आएगा एम बी प्लस एम ए बटा एम बी और गुना F, तो आंसर आएगा F इंटू एम बी एम बी वन प्लस एम ए बाई एम बी, इस तरह से आंसर आएगा F इंटू वन प्लस एम ए बाई एम बी। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे, अभी क्या क्या क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है।